हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं आज आप लोग के बीच फोर्थ सेमेस्टर का दो पेपर लेकर आया हूं। दो पेपर मुझे पढ़ाना है और शायद आप लोग को जानकारी पहले से मिल चुकी होगी। मैं आपका दो पेपर लेने जा रहा हूं, वो क्या है, फर्स्ट इज़ द थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर, जिसे आप क्या कह रहे हैं, टॉस, एंड सेकंड इज द ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग। ठीक है, दो पेपर हम लोग पढ़ेंगे और बाकी और तीन पेपर जो आपके हैं और भी सर हैं और भी सर आपको पढ़ाएंगे। मैं ये दो पेपर आप लोग को पढ़ाने जा रहा हूँ, ठीक ना। ध्यान से देखना, समझना, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं। आपको इसकी इम्पॉर्टेंस क्लासेस के दौरान आपको पता चलेंगे, बहुत सारी बातें आपको और बताएंगे भी, तब आपको जाकर पता चलेंगे कितना इम्पॉर्टेंट पेपर है। चलिए, आज हम लोग इंट्रोडक्शन कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ टॉस का, थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर का। अगला वीडियो लेक्चर मैं आपको दूंगा जो कि ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग पर होगा। तो आज हम लोग बात किस पर करते हैं, थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर पे, ठीक ना, यानी टॉस पे। बाकी आपको ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग अगले क्लास में आपको दोबारा से मैं इस पर भी वीडियो लेक्चर दूंगा, ठीक है। तो अभी हम लोग किस पे बात करेंगे, टॉस पे, तो इसको अभी मिटा देते हैं। चलिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर। चलो अब देखते हैं टॉस, थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर। लास्ट सेमेस्टर में आपने मॉस पढ़ा होगा, समझ लेना उसी का बड़ा भाई है यह टॉस। जिन बच्चों को मॉस में दिक्कत हुई है, हो सकता है उन बच्चों को इसमें भी दिक्कत हो। मैं ये पहले बताना चाहता हूँ कि अगर आपका क्लियर नहीं है थर्ड सेमेस्टर का मॉस, तो आपको परेशानी हो सकती है। लेकिन कुछ दो तीन क्लास, स्टार्टिंग के दो तीन क्लास अगर आप कर लेते हैं तो आपको इसमें दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि मुझे पता है कि आपको मॉस में दिक्कत होगा ही होगा। आपने SFD BMD पढ़ा होगा, शियर फोर्स एंड पेंडिंग मोमेंट डायग्राम, वो बनाने में दिक्कत हो रही होगी। और बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जिनको कोई दिक्कत ना नहीं होगा, लेकिन फिर भी हम पहले दो तीन क्लास हम SFD BMD पे ही चर्चा करेंगे। रीज़न क्या है कि आप चीज़ों को समझ पाएंगे तभी आप टॉस पढ़ पाएंगे, अदरवाइज़ फिर टॉस में आपको दिक्कत होने लगेगी। मैं नहीं चाहता कि जो आपने पहले गलतियाँ दोहराई है दोबारा से वो गलतियों को दोहराया जाए, ठीक ना। तो इसलिए सबसे पहले हम लोग टॉस पढ़ेंगे। टॉस के लिए मॉस जरूरी है, और जो बच्चे पहले से पढ़े हैं मॉस अच्छे तरीके से, फिर भी वो रिवाइज कर लेंगे घर जा करके, ताकि आपको इसको पढ़ने में दिक्कत ना हो। फिर भी हम लोग क्लासेस लेंगे दो तीन क्लासेस, जिसमें कि दिक्कत जिनको होगा भी वो दूर हो जाएगा, ओके। चलिए, थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर नाम क्यों पड़ा, क्या है ये, इसका क्या मतलब है थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर। यहाँ दो वर्ड लिखा हुआ है, थ्योरी और दूसरा क्या है, स्ट्रक्चर। एनीवन बताइए क्या समझते हैं आप स्ट्रक्चर से, स्ट्रक्चर। ऑनलाइन में बता तो नहीं पाओगे, ऑफलाइन में मैं पूछता, खैर कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ स्ट्रक्चर। सबसे पहले हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं, फिर हम थ्योरी पर आते हैं। स्ट्रक्चर का सिंपली क्या मतलब हो गया, अगर सिविल इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो स्ट्रक्चर का मतलब हो गया कि बिल्डिंग के डिफरेंट कंपोनेंट्स, ध्यान से सुनना, बिल्डिंग के डिफरेंट कंपोनेंट्स जिसको असेंबल करके एक स्ट्रक्चर तैयार करते हैं, दैट इज कॉल्ड द स्ट्रक्चर। यानी बिल्डिंग के डिफरेंट कंपोनेंट्स कौन कौन से हो सकते हैं आप लोग बताइए, बिल्डिंग के डिफरेंट कंपोनेंट्स तो क्या क्या होता है बताओ। फाउंडेशन जानते होंगे, है ना, सब स्ट्रक्चर कहलाता है ये, चूंकि ग्राउंड के नीचे होता है, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा, कॉलम, कॉलम्स, बीम्स, है ना, और स्लैब्स, स्लैब्स। मेजर यही चार आपका कंपोनेंट्स है, और भी भाई बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, पर स्ट्रक्चरली यही चार कंपोनेंट हमारा होता है। स्ट्रक्चरली मतलब अब इन चारों बिल्डिंग के कंपोनेंट्स को असेंबल कर दें, यानी इकट्ठा कर दें, और उससे जो फ्रेम्ड बनेगा दैट इज कॉल्ड द स्ट्रक्चर। और ये स्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए जो कि लोड को ट्रांसफर करने में हेल्पफुल हो। लोड को ट्रांसफर करने में हेल्पफुल मतलब क्या हो गया, कि
कि जैसे अभी आप अपने रूम में होंगे, क्लासरूम होंगे या फिर अपने घर में होंगे, आप अभी किस पे हैं, स्लैब पे। स्लैब समझते हैं, एक फ्लोर को स्लैब ही कहते हैं, छत हो गया, फ्लोर हो गया, तो उसे स्लैब कहा जाता है, ठीक है। तो आप स्लैब पे हैं, फर्नीचर है, बेड्स हैं, है ना, टेबल आपका स्टडी टेबल होगा, बहुत सारी चीज़ें, ये आपका क्या हो गया, स्लैब पे हैं। मतलब क्या हो गया कि स्लैब पे लोड आ रहा होता है आपके द्वारा, ठीक। उसके बाद ये लोड कहाँ जाता है, बीम पे, ठीक है। बीम से फिर ये लोड कहाँ ट्रांसफर होता है, कॉलम पे। कॉलम से फिर कहाँ ट्रांसफर होता है, फाउंडेशन में। और फाउंडेशन से फिर कहाँ जाता है, सॉइल में, मतलब ग्राउंड में। तो हम लोग स्ट्रक्चर में सॉइल की बात नहीं करते हैं, उसके लिए एक सेपरेट सब्जेक्ट है आपका सॉइल मैकेनिक्स, जो कि आप फिफ्थ सेमेस्टर में पढ़ेंगे, ठीक है, ध्यान देना बाबू। मेन रूप से आपका यही चार कंपोनेंट्स स्ट्रक्चर के कहलाते हैं, और इन चारों कंपोनेंट्स को असेंबल करते हैं, और वो असेंबली यानी असेंबल करने के बाद जो असेंबली बनेगा, जो स्ट्रक्चर बनेगा, दैट मस्ट बी, वो एकदम जरूरी हो कि लोड ट्रांसफर करने में मददगार साबित हो, यानी लोड ट्रांसफर कर सके वो, ठीक है। तो इन सारे चीज़ों को आप जानते हैं, पहले स्लैब पे लोड आता है, जो हमारा लोड होता है, लाइव लोड कह सकते हैं, फिलहाल लाइव लोड के बारे में समझें, और भी कई प्रकार के लोड्स होते हैं। स्लैब पे हमारा लोड्स आया, वो लोड कहाँ ट्रांसफर हुआ, बीम पे, बीम से कॉलम पे, कॉलम से फाउंडेशन पे, और फाउंडेशन से कहाँ चला जाएगा, ग्राउंड में, ठीक ना। और ग्राउंड वाली जो पढ़ाई है हम लोग फिफ्थ सेमेस्टर में करेंगे सॉइल मैकेनिक्स में, ठीक ना। चलिए, समझ गया थ्योरी, स्ट्रक्चर क्या होता है। दूसरा क्या हो गया, थ्योरी, ध्यान देना, ये थ्योरी क्या होता है। थ्योरी मतलब वो थ्योरी नहीं जो आपने सेमेस्टर्स में देखते हैं एग्जाम में, थ्योरी प्रैक्टिकल वाई इंटरनल एक्सटर्नल, है ना, वो सब चीज़ें नहीं होती हैं। थ्योरी मतलब क्या हो गया, इस स्ट्रक्चर का पूरा कच्चा चिट्ठा। सिंपली ये समझ लो बाबू कि थ्योरी का मतलब क्या हो गया कि आप इसका डिटेलिंग कर रहे होते हैं, डिटेल्ड, या कह सकते हैं क्या, एनालिसिस। ध्यान देना बाबू, यहां पर तो आपके सब्जेक्ट का नाम क्या है, टॉस, थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर। बीटेक में यही चीज कहलाता है स्ट्रक्चर एनालिसिस, सेम चीज़ें हैं। बीटेक में थोड़ा ज़्यादा पढ़ते हैं और यहाँ थोड़ा सा कम पढ़ते हैं, तो ये स्ट्रक्चर एनालिसिस कहलाता है बीटेक में, और यहाँ पर आपका क्या कहलाता है, टॉस, दोनों मिला जुला करके एक ही चीज़ है। ध्यान देना, क्या मतलब होता है एनालिसिस का या डिटेल्ड का, ध्यान देना। जब भी किसी स्ट्रक्चर पर, स्ट्रक्चर बोल रहे हैं इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है, स्लैब, बीम, कॉलम एंड फाउंडेशन। जब भी किसी स्ट्रक्चर पर लोड एक्ट करता है, तो उस लोड के कारण से ये स्ट्रक्चर के डिफरेंट कंपोनेंट्स कैसे बिहेव करते हैं, कैसे रिएक्ट करता है, इसी चीज का एनालिसिस करना एनालिसिस कहलाता है या थ्योरी कहलाता है, ठीक है। तो हमारा मेन उद्देश्य क्या है कि जब कभी भी स्ट्रक्चर के डिफरेंट कंपोनेंट्स पर लोड एक्ट करेंगे, तो वो लोड किस तरह से बिहेव करेंगे, और उस बिहेवियर को ही हम लोग क्या कहते हैं, थ्योरी या एनालिसिस या डिटेलिंग, ठीक है। तो समझ में आ गया कि हम लोग को करना क्या है यहाँ पर। थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर आपका सब्जेक्ट का नाम है, जिसमें कि आप स्ट्रक्चर क्या समझते हैं, स्ट्रक्चर से, स्ट्रक्चर मीन्स हो गया बिल्डिंग के डिफरेंट कंपोनेंट्स। ये कंपोनेंट्स को असेंबल करके आप एक फ्रेम तैयार करते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड द स्ट्रक्चर, ठीक है। और वो स्ट्रक्चर मस्ट बी एबल टू ट्रांसफर द लोड्स, वो एकदम से लोड को ट्रांसफर करने में एबल होना चाहिए, सक्षम होना चाहिए। लोड कैसे ट्रांसफर होता है, सीरीज ऑफ द लोड ट्रांसफर, ये आपको पता है। सीरीज ऑफ द लोड ट्रांसफर क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो स्लैब से बीम, बीम से कॉलम, कॉलम से फाउंडेशन, एंड फाउंडेशन से अगेन सॉइल। सॉइल वाली बातें बाद में पढ़ेंगे। एनालिसिस क्या हो गया, थ्योरी क्या हो गया, एनालिसिस। एनालिसिस का मतलब क्या हो गया, इस स्ट्रक्चर के कंपोनेंट्स पर जो भी लोड एक्ट करते हैं, उस लोड से इस कॉलम, बीम या जो भी कंपोनेंट्स हैं उस पर क्या बिहेवियर आता है, क्या कैसे वो रिस्पॉन्ड करता है, कैसे वो डिफ्लेक्ट करेगा, है ना, बेंड कर जाएगा। जब लोड पड़ेगा तो हो सकता है कि बीम बेंड कर जाए इस तरह, है ना, ये लोड पड़ेगा तो हो सकता है ये बेंड कर जाए, कॉलम है झुक जाए, या जो भी होगा इस पर हम लोग चर्चा आगे करेंगे, ठीक है। चलिए अब हम लोग बातें करते हैं सिलेबस की। तो आज चूंकि इंट्रोडक्शन क्लास है, हम थोड़ी थोड़ी ही बातें करेंगे, बहुत बातें नहीं करेंगे, इंटरनली नहीं जाएंगे। अभी अभी आपको पूरा सिलेबस और सब्जेक्ट के नाम के बारे में बताएंगे, ठीक है। सिलेबस,
क्या सिलेबस है? आप सबसे पहले आप ध्यान देना, सिलेबस आप सभी के पास होना चाहिए। सिलेबस ध्यान रखना है कि आप सभी ने सिलेबस का प्रिंट आउट निकाल लिए हो, और नहीं भी निकाले हो तो मुझ पर इतना भरोसा रखना बाबू कि आपका सारा ए टू जेड सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा और सिलेबस से टू द पॉइंट ही बताया जाएगा, ठीक ना। चलो फर्स्ट आपका क्या है सिलेबस में, अगर आप देखेंगे तो डायरेक्ट एंड बेंडिंग स्ट्रेसेस, डायरेक्ट एंड बेंडिंग स्ट्रेसेस इन वर्टिकल मेंबर्स, डायरेक्ट एंड बेंडिंग स्ट्रेसेस इन वर्टिकल मेंबर। आप सब ये समझिए कि क्या होता है ये, व्हाट इज वर्टिकल मेंबर, वर्टिकल मेंबर क्या है बताओ, बोलो वर्टिकल मेंबर किसे कहते हैं? वर्टिकल मेंबर मतलब कहाँ का वर्टिकल मेंबर, बिल्डिंग का है ना, कोई स्ट्रक्चर का। और नॉर्मली हम लोग अभी सिविल इंजीनियरिंग में स्ट्रक्चर में बिल्डिंग नॉर्मली बात करते हैं, तो बिल्डिंग में वर्टिकल स्ट्रक्चर हमारा क्या हो जा रहा होता है, कॉलम, ठीक ना। हम लोग कॉलम के बारे में बातें कर रहे हैं यहाँ पर, डायरेक्टली इनडायरेक्टली वर्टिकल हमारा मेंबर क्या हो गया, कॉलम। हम लोग कॉलम के बारे में चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। तो एक कॉलम हो गया, और दूसरा आपका इस आपके सिलेबस में चिमनी के बारे में जिक्र किया हुआ है। लेट अस सपोज दिस इज द कॉलम, ठीक है, ये आपका कॉलम हो गया। और एक चिमनी के बारे में भी डिस्कस किया जाता है, तो हम चिमनी के बारे में बताते हैं। आप ऐसा चिमनी देखे होंगे इस शेप का, है ना, जो कि आप देख रहे हैं यहाँ डायमीटर कम है, धीरे धीरे डायमीटर बढ़ रहा है, या यूं कह सकते हैं यहाँ ज्यादा है धीरे धीरे कम रहा होता है, मतलब ये वेरिएबल डायमीटर का है। लेकिन आपके सिलेबस में यूनिफॉर्म डायमीटर का पढ़ना है। यूनिफॉर्म डायमीटर का मतलब हो गया या तो ये सर्कुलर होगा सिलेंडर टाइप का, या फिर रेक्टेंगुलर फेस होगा, ठीक है। तो आप ये दोनों में से ये रेक्टेंगुलर या सर्कुलर वाला पढ़ना है आपको, मतलब यूनिफॉर्म सेक्शन पढ़ना, ये नहीं पढ़ना है, ठीक ना, इसको नहीं ध्यान नहीं देते हैं, ये समझना है, ठीक है। तो ये हमारा वर्टिकल मेंबर हो गया, ठीक ना। तो वर्टिकल मेंबर के बारे में हम लोग को पढ़ना, क्या पढ़ना है बाबू, तो डायरेक्ट एंड बेंडिंग स्ट्रेस, डायरेक्ट एंड बेंडिंग स्ट्रेस समझ लेते हैं। आज इंट्रोडक्शन क्लास है, तो हम लोग थोड़ी बहुत बातें करते हैं सिलेबस के बारे में, बुक्स के बारे में बात करेंगे, है ना, और थोड़ी बहुत बातें करेंगे सिलेबस और आपका पूरा क्या क्या आपका यूनिट्स है, उन सारे यूनिट्स के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। आपके एग्जाम में हर यूनिट 5 यूनिट है, 5 यूनिट से एक एक क्वेश्चन कन्फर्म है, वो आना ही आना है, और न्यूमेरिकल बेस्ड ही आएगा, थ्योरी थोड़ा बहुत आ सकता है, एडिशनल समझ लेना उसे, न्यूमेरिकल आना ही आना है हर आपके जो भी यूनिट्स हैं, तो उस पर विशेष ध्यान देना है। थ्योरी के लिए भी मैं आपको यहाँ पे बोर्ड पे लिखा दूंगा, आप यहाँ से वीडियो पॉज करके आप लिख लेना, या फिर आपको अवेलेबल करवा दिया जाएगा मैनेजमेंट के द्वारा, ठीक ना। चलो बाबू, दूसरा क्या है, हम लोग बात करते हैं क्या डायरेक्ट स्ट्रेस और बेंडिंग स्ट्रेस के बारे में। आप पढ़े होंगे शायद डायरेक्ट स्ट्रेस, डायरेक्ट स्ट्रेस नहीं पढ़े होंगे तो बता रहे हैं आपको। देखिए सपोज कोई कॉलम है, ठीक, ये कॉलम मान लीजिए, ये हाइट हो गया कॉलम का, ये विड्थ हो गया, ठीक ना, अंदर की ओर डेप्थ भी है। चलो दिखा देता हूँ डेप्थ भी, लो, ठीक है, ये आपका कॉलम हो गया। अब कॉलम पर, कॉलम पता है, कॉलम किसको सपोर्ट कर रहा होता है, बीम को, मतलब बीम अपना लोड किस पे ट्रांसफर कर रहा होता है, कॉलम पे, ठीक है। तो बीम सपोज ये बीम है और ये क्या हो गया, कॉलम हो गया, ठीक ना। तो बीम, ये वाला बीम, ये किस पे लोड ट्रांसफर कर रहा होता है, कॉलम पे, अपने एंड से किधर ट्रांसफर कर रहा होता है, कॉलम पे, ठीक ना। तो यानी इस पर इस तरह से लोड लग रहा होता है, मतलब ये कॉलम दब रहा होगा, ठीक है। तो उसी लोड के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। सपोज ये इसका सेंटर है, सेंटर कैसे निकालते हैं ये, ठीक है, ये आपका क्या हो गया, सेंटर हो गया। इस सेंटर पे अगर लोड लग रहा होता है, सपोज पी किलो न्यूटन लग रहा है, ठीक है, तो पी किलो न्यूटन लोड लग रहा है, तो इससे क्या रिएक्ट होगा, तो हो सकता है कि आपका ये जो कॉलम है वो थोड़ा सा दब गया होगा, मतलब ऐसा कुछ बन गया होगा, है ना, ऐसा कुछ बन गया होगा, छोटा हो गया और थोड़ा सा फैल गया होगा, क्योंकि लोड ऊपर से लगा है, तो उसके वजह से कैसा हो गया होगा, थोड़ा हाइट कम गया होगा, ये समझ लीजिए ये डेल्टा, है ना, कंप्रेस्ड हो गया।
तो इसके वजह से इस बॉडी में स्ट्रेस डेवलप हुआ, ठीक है। अगर लोड लगा रहे होते हैं तो बॉडी में क्या डेवलप होगा, स्ट्रेस, और उसी स्ट्रेस को हम लोग यहाँ पर क्या नाम दे रहे हैं, डायरेक्ट स्ट्रेस। क्लियर हुई बात है। इसी के बारे में डिटेल हम लोग बातें करेंगे, जब हम लोग अपना फर्स्ट यूनिट अगले क्लास में स्टार्ट करेंगे तो हम लोग इसके बारे में डिटेल बातें करेंगे, है ना। अभी बस थोड़ा थोड़ा हम लोग जान रहे हैं कि नाम जो हमारा है वो नाम क्या क्या है, ठीक है। दूसरा क्या होता है, बेंडिंग स्ट्रेस। बेंडिंग स्ट्रेस ध्यान देना, बेंडिंग स्ट्रेस क्या है। बेंडिंग स्ट्रेस का मतलब क्या हो गया कि इमेजिन करो एक सेम कॉलम हम ले लेते हैं, ठीक है, सेम हम कॉलम लेते हैं, सेम कॉलम लिया, ठीक है। इस कॉलम पे अब इमेजिन करो कि हमने लोड कहां लगा रहा है, पहले लगाया था कहां पे, एग्जैक्टली सेंटर पे। अब इमेजिन करो हम लोड कहां लगा रहे हैं, साइड में, किसी भी साइड आप लगा लो, सेंटर में नहीं लगा करके किधर भी लगा लो, ठीक है। अगर हम साइड में कहीं लगाते हैं तो अब ये क्या कर रहा होगा, ये इमेजिन करिए कॉलम है, ये क्या कर रहा होगा, ये दब भी रहा होगा, मतलब इसमें लोड दबा भी रहा होगा इस कॉलम को, और दूसरा झुका भी रहा होगा। क्यों झुका रहा होगा, क्योंकि लोड जो है एग्जैक्टली सेंटर में नहीं है, है ना, और लोड साइड में है, जिसकी वजह से कॉलम क्या हो रहा होगा, इस तरीके से झुक भी रहा होगा। ये भी ध्यान देना बाबू। तो जो एक तरफ किसी भी डायरेक्शन में जिधर ज्यादा जिधर लोड होगा उस साइड में ये झुकने की कोशिश करेगा, तो जिधर झुक रहा होगा, सपोज यहां पर किधर झुकेगा, ये इस तरीके से, है ना, इस तरीके से झुक रहा होगा। तो जिस साइड झुक रहा होगा तो झुकने की वजह से यहां देखना इस फेस पे क्या आ रहा है, उसको टेंसाइल टाइप का हो रहा है, ठीक ना, और इधर क्या हो रहा है, कॉम्प्रेस हो रहा है। इसका मतलब क्या कि बेंडिंग स्ट्रेस, झुकने की वजह से जो स्ट्रेस बॉडी में डेवलप होता है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, बेंडिंग स्ट्रेस। दूसरा क्या हो गया, डायरेक्ट स्ट्रेस, जो डायरेक्टली लोड लगा, और यहां पर भी क्या हो गया, ये दब रहा होगा कॉलम लोड की वजह से, तो यहां पर कौन सा स्ट्रेस डेवलप हो रहा है, डायरेक्ट स्ट्रेस। इस जगह पे बाबू क्या क्या हो रहा है, देखो ये झुका दबा भी रहा है, मतलब डायरेक्ट स्ट्रेस भी लगा रहा है और झुका भी रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, यहां पर दोनों लग रहा है, मतलब डायरेक्ट स्ट्रेस भी लग रहा है और दूसरा बेंडिंग स्ट्रेस भी लग रहा है, सिर्फ बेंडिंग नहीं लग रहा है, डायरेक्ट और बेंडिंग दोनों लग रहा है, ध्यान देना, पढ़ेंगे भी समझ में आएगा। और तीसरा अगर हम बात करें तो सपोज चिमनी की बात करते हैं, तो चिमनी कैसा पढ़ना है हम लोग को, यूनिफॉर्मली, यूनिफॉर्म सेक्शन का, ठीक ना, यूनिफॉर्म सेक्शन का चिमनी है। सपोज ये चिमनी है और इस चिमनी पे कैसा लोड लगता है, क्या कोई लोड ऊपर से लगता है, बताओ, नहीं ऊपर से नहीं लगता सर, ऊपर से नहीं लगता, कहाँ से लगता है लोड बाबू, तो विंड लोड लग रहा होता है, कौन सा लोड, विंड लोड, हवा का दबाव, है ना, विंड लोड, ये लोड लगता है विंड लोड। इस विंड लोड की वजह से क्या होगा बताना, ये एक झुकता तो नहीं है पर झुकने की टेंडेंसी, ज्यादा जोर से हवा चलेगा तो झुक भी जाएगा, है ना, झुकने की टेंडेंसी रखता है, ठीक है। यहां पर क्या हो रहा है, ये डायरेक्टली विंड लोड की वजह से जो चिमनी है वो किस तरह से हो रहा है, रिएक्ट, झुक जा रहा है, और झुकने की वजह से स्ट्रेसेस डेवलप हो रहे हैं, ठीक ना, चिमनी के अंदर स्ट्रेस डेवलप हो रहे हैं, और वो कौन सा स्ट्रेस होगा, वो प्योरली आपका डायरेक्ट स्ट्रेस होगा। तो आप यहां पे ये समझ सकते हैं, यहां पे क्या जनरेट हो रहा है, डायरेक्ट स्ट्रेस, यहां क्या हो रहा है, सॉरी यहां क्या हो रहा है, बेंडिंग स्ट्रेस, यहां क्या हो रहा है, डायरेक्ट प्लस बेंडिंग स्ट्रेस, और यहां क्या हो रहा है, डायरेक्ट स्ट्रेस। क्लियर है बातें, सबको समझ में आ रहा होगा। डायरेक्ट स्ट्रेस क्या हो गया, जो सीधा वर्टिकली लोड लगे और जिससे दब रहा होगा, है ना। बेंडिंग स्ट्रेस क्या होगा कि वो झुक रहा होगा जिसकी वजह से फेस पे स्ट्रेस डेवलप हो रहा होगा, तो वो बेंडिंग स्ट्रेस हो गया। दोनों लगता है, मतलब डायरेक्ट भी लग रहा होता है, लोड भी लग रहा होता है और बेंड भी कर रहा होता है। ये छोटी मोटी बातें हमने किया आपके पहले यूनिट में। आप नाम से शुरू में ही आपको बताए थे स्ट्रक्चर पे किसी भी प्रकार का, स्ट्रक्चर मतलब क्या हो गया, ये सारी चीजें, तो किसी भी प्रकार का जब लोड रिएक्ट करता है तो लोड को, लोड के कारण से ये कंपोनेंट्स कैसे एक्ट करते हैं, रिएक्ट करते हैं, उसी का एनालिसिस हम लोग करते हैं यहाँ पर, ठीक ना, उसी का एनालिसिस करते हैं। देखो वही कर रहे हैं, ये कॉलम हो गया, है ना, कॉलम पर लोड लगा, लोड लगने की वजह से क्या हो रहा है इसमें,
तो उसी चीज का हम लोग यहाँ पे एनालिसिस करेंगे, यही हमारा क्या हो गया थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर। क्लियर हुई बातें? चलो देख लो, अगर लिखना चाहते हो तो लिख लो, मैं साइड हट जाता हूँ। यूनिट क्या है? स्लोप डिफ्लेक्शन। ध्यान देना बाबू, स्लोप डिफ्लेक्शन के लिए हम लोग देखते हैं, लेट अस सपोज दिस इज बीम एंड देर आर टू सपोर्ट, दो सपोर्ट है, कॉलम है, ठीक ना। जैसे ये बीम हो गया और ये कॉलम हो गया, ये कॉलम है, ये बीम है ना, बीम कॉलम इस प्रकार से है। इस पे हम लोड लगा रहे होते हैं, सपोज एक कोई लोड पी लोड एक्ट करवा रहे होते हैं। लोड लगाने की वजह से ये बीम जो है वो क्या कर रहा होगा, इस प्रकार से डिफ्लेक्ट कर रहा होगा। आप यहाँ पर ये देख सकते हैं कि बीम के हर पॉइंट पे, सपोज दिस इज द वन पॉइंट, दिस इज वन पॉइंट, दिस इज द पॉइंट, ढेर सारे यहाँ पे पॉइंट्स हैं, ठीक है, बहुत सारे इन्फिनाइट्स पॉइंट्स हैं। हर पॉइंट का अगर देखा जाएगा तो डिफ्लेक्शन हो रहा है। सबसे मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कहाँ पे हो पा रहा है आपको अभी? सेंटर पे, यहाँ पे है ना, डेल्टा मैक्सिमम, ठीक है। यहाँ पर देखो कम है, यहाँ पे थोड़ा और ज़्यादा, थोड़ा और ज़्यादा, बीच में सबसे ज़्यादा है। बट ये भूल मत करना कि हमेशा बीच में ही सबसे ज़्यादा होगा, ये डिपेंड करता है लोड के पोजीशन पर। ये चीज़ें हम सीखेंगे बाद में। क्वेश्चन आपका रहेगा कि मैक्सिमम डेल्टा कहाँ पे, मतलब मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कहाँ पे, ध्यान देना बाबू बाद में। आगे हम लोग ये देख रहे हैं, ये समझ में आ गया कि डिफ्लेक्शन क्या है। अब स्लोप के बारे में समझते हैं। स्लोप के लिए फिर से फिर हम एक बीम बना लेते हैं, बीम और कॉलम का कॉम्बिनेशन। इस पे हम फिर से एक कोई पर्टिकुलर लोड एक्ट कराते हैं। लोड एक्ट कराने के बाद जो बीम का शेप हो जाएगा कुछ इस तरीके से, ठीक है। आप किसी भी पॉइंट को ले लो, सपोज हमने ये पॉइंट ले लिया, बीम का ये पॉइंट ले लिया। इस पॉइंट, ये ओरिजिनल शेप है बीम का और ये डिफ्लेक्टेड शेप, तो डिफ्लेक्टेड शेप के ऊपर, यही पॉइंट के डिफ्लेक्टेड शेप के ऊपर हमने एक टेंजेंट ड्रॉ कर लेना है, ठीक है। पढ़ा होगा टेंजेंट आपने मैथ्स में, टेंजेंट ड्रॉ कर लेना है। टेंजेंट क्या हो गया, एक टेंजेंट हो गया, और ये ओरिजिनल जो बीम का जो पोजीशन है उससे हमें इधर एक्सटेंड कर देना है पीछे की ओर। जो एंगल बन रहा होगा दिस इज द थीटा, और यही थीटा वन, लेट अस सपोज थीटा वन, ये हमारा क्या हो जाएगा, स्लोप हो जाएगा। कहाँ का स्लोप होगा, तो इस पॉइंट का स्लोप हो जाएगा, जिस पॉइंट से टेंजेंट खींचा गया है, जिस पॉइंट के लिए टेंजेंट खींचा गया है उस पॉइंट का स्लोप हो जाएगा। सपोज हम यहाँ पर, यहाँ की बात करते हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा मैक्सिमम डिफ्लेक्शन है, ठीक ना, इस जगह की बात करते हैं, तो इस जगह पे भी हमें क्या करना है, फिर से स्लोप निकालने के लिए टेंजेंट ड्रॉ करना है। लेट अस सपोज दिस इज द टेंजेंट, ओके। टेंजेंट ड्रॉ करने के बाद हम ये देख रहे हैं क्या कि ओरिजिनल जो बीम का पोजीशन है और टेंजेंट जो ड्रॉ करने के बाद जो आया, इन दोनों के बीच का एंगल, चूंकि ये दोनों पैरेलल है, कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगा, पर अगर इसको पास में ले आते हैं दोनों के बीच के एंगल कितना हो जाएगा, जीरो। इसका मतलब क्या हो गया कि जहां पर मैक्सिमम डिफ्लेक्शन है उस जगह पर आपका थीटा क्या हो जाता है, स्लोप जीरो हो जाता है। क्लियर है बातें? और भी बातें हम करेंगे स्लोप एंड डिफ्लेक्शन में, बहुत सारी बातें वहां पे करना होगा। फिक्स्ड एंड कंटिन्यूअस बीम, ठीक है बाबू। देखो फिक्स्ड एंड कंटिन्यूअस बीम, ये भी टाइप्स ऑफ बीम है। जैसे ये सिंपली सपोर्टेड है, उसी प्रकार से फिक्स्ड बीम होता है, कंटिन्यूअस बीम होता है ना। आप जानते होंगे ये हमारा फिक्स्ड बीम हो गया, ये नोटेशन भी है फिक्स्ड बीम का, ठीक है। इस पर भी लोड एक्ट करेगा, तो लोड एक्ट करने की वजह से बीम किस प्रकार से बिहेव करेगा वही हम लोग यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखना बाबू कि जो हमारा ये पॉइंट है ओरिजिन, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ बीम, स्टार्ट पॉइंट ऑफ बीम, इस जगह अगर देखा जाएगा तो अगर हमें यहाँ स्लोप निकालना है, ठीक है, तो स्लोप निकालोगे बाबू तो क्या करना था, स्लोप में हम लोग क्या किए थे, टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, है ना। जिस पॉइंट पर स्लोप निकालना होता है वहाँ क्या करते हैं, टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। आप यहाँ टेंजेंट ड्रॉ करिए, इस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो ये स्ट्रेट ही आ जाएगा, और ओरिजिनल जो बीम का पोजिशन है वो भी स्ट्रेट है। इट मीन्स उन दोनों के बीच का जो एंगल होगा दैट इज इक्वल टू व्हाट, जीरो, है ना। बट यहाँ पर आपने क्या देखा था, स्टार्टिंग पॉइंट पे, अगर इस पॉइंट पे, अगर आप सिंपली सपोर्ट में देखते हैं, इस पॉइंट पे अगर यहाँ टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो देयर इज समथिंग एंगल, कुछ एंगल वहाँ पे आता है, और ये एंगल यहाँ पे समथिंग होता है, पर यहाँ पर ये एंगल कितना हो जाता है, जीरो। मतलब हमने एक चीज़ सीख भी लिया कि फिक्स्ड बीम में जो स्लोप होता है सपोर्ट के पास वो हमारा क्या होता है, जीरो, है ना। यहाँ पर भी सेम चीज़ कर रहे होते हैं हम लोग, स्लोप कैलकुलेट करेंगे और डिफ्लेक्शन कैलकुलेट करेंगे।
दो मेथड होता है, हम लोग मेथड भी पढ़ेंगे, पढ़ने के दौरान कैपलियंस थ्योरम आपका होगा, है ना। नेक्स्ट इज द कंटिन्यूस बीम। कंटिन्यूस बीम में आप लोग क्या करते हैं, कंटिन्यूस बीम का मतलब क्या हो गया, सीरीज ऑफ द बीम। देखो ये सीरीज है, यहाँ पर मोर देन टू सपोर्ट्स हैं, बीम के सीरीज हैं, ठीक है। यहाँ पर भी हमारा सेम काम होगा, लोड लगने के बाद बीम किस प्रकार से बिहेव कर रहा होगा, इसी की स्टडी हम लोग किसके लिए कर रहे होंगे, फिक्स्ड एंड कंटिन्यूस बीम यूनिट के अंदर इन दोनों तरह के बीम के बिहेवियर के बारे में जान रहे होंगे। और वो क्या होगा आपका, यहाँ पर भी हम लोग स्लोप निकाल रहे होंगे, डिफ्लेक्शन निकाल रहे होंगे, SFD BMD बना रहे होंगे, ठीक है। यही मेन रूप से हमारा यहाँ पर पढ़ना है, ठीक है। चलो देख लो, अगर नोट करना है तो नोट कर लो, वैसा कुछ है नहीं इसमें, पर एज यू विश। फोर्थ यूनिट क्या है बाबू, मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड में हम लोग सिंपली SFD और BMD कैलकुलेट करेंगे। आपको पता होगा SFD क्या है, BMD क्या है, शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट BMD, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, ठीक ना। यहाँ पर भी आपकी चीज़ें सेम होगा, मतलब बीम होगा, ठीक है, बीम के ऊपर लोड होगा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ द लोड होगा, है ना। और इस लोड लगने की वजह से किस प्रकार से इसमें स्लोप्स आ रहे होंगे, डिफ्लेक्शंस आ रहे होंगे, है ना। और SFD BMD, मेनली हमें SFD BMD ड्रॉ करना पड़ेगा। और ये कंटिन्यूस भी हो सकते हैं, कंटिन्यूस बीम भी होगा, हो सकता है किसी पर लोड इस प्रकार से हो, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, है ना। तो इस चीज़, तो उसमें हम लोग करते क्या है, मोमेंट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जो भी मोमेंट्स आ रहे होते हैं इस लोड के कारण से बीम में, उस मोमेंट को डिस्ट्रीब्यूट करके हम लोग क्या कैलकुलेट कर रहे होते हैं बाबू, शियर फोर्स डायग्राम एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। मतलब कि बीम के हर पॉइंट पर शियर फोर्स कितना लग रहा है और बेंडिंग मोमेंट कितना लग रहा है, पढ़ेंगे तो समझेंगे, ठीक है। एंड द लास्ट इज योर्स सिंपल ट्रस, सिंपल ट्रस, यही है, देख लो ट्रस। ट्रस आप जानते भी होंगे, अभी हाल में ही गांधी सेतु पर पूरा रेनोवेट हुआ है पुल, आप देखे भी होंगे, है ना, पूरा फुल्ली स्टील स्ट्रक्चर का तैयार किया गया है ना। आप नॉर्मली ट्रस इस प्रकार से देखते होंगे, इस प्रकार से, ठीक है, ये सपोर्ट हो रहा होता है इस जगह पे, और ये आपका ट्रस सिस्टम है, ठीक ना। इस ट्रस के बारे में भी हम लोग बात करेंगे। देखो बाबू, जब हमारा बीम जो होता है लॉन्ग हो जाता है, मतलब कि जरूरत से ज़्यादा लेंथ हो जाए, तो इसके ऊपर ज़्यादा लोड लगने की वजह से ये बीम ज़्यादा डिफ्लेक्ट करता है, क्लियर बात है। और अगर ज़्यादा डिफ्लेक्ट करेगा तो फेल होने की संभावना ज़्यादा रहती है, मतलब बीम के फेल हो जाने का संभावना ज़्यादा रहता है। इसी चीज़ को दूर करने के लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं, ट्रस का, क्लियर बात है। ट्रस में क्या किया जाता है कि बीम के डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स को, जैसे ये पॉइंट्स हो गया, ये पॉइंट्स हो गया, इसको स्टील स्ट्रक्चर से, है ना, स्टील स्ट्रक्चर से होल्ड किया जाता है, और वो लोड कहाँ ट्रांसफर कर दिया जाता है, सपोर्ट के ऊपर, क्लियर है बातें। मतलब क्या कि अगर हम ट्रस यूज करते हैं तो लॉन्गर स्पैन का भी जो बीम रहेगा वो बहुत ज़्यादा डिफ्लेक्ट नहीं करेगा, या डिफ्लेक्शन को हम लोग वहाँ पर कम करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर यह ट्रस नहीं देते हैं तो जो बीम लॉन्गर बीम है ये क्या हो जाएगा, लॉन्गर स्पैन है, वो क्या होगा कि ज़्यादा डिफ्लेक्ट करेगा, और ज़्यादा डिफ्लेक्ट होने की वजह से बीम के फेल होने की संभावना ज़्यादा रहती है, क्लियर है। हम लोग पढ़ेंगे तो उस टाइम में देखेंगे, कोई दिक्कत किसी को। चलो आगे हम लोग देखते हैं बुक्स के बारे में। बुक्स, पिछले सेमेस्टर में आपने मॉस पढ़ा है, है ना, मॉस के लिए कोई बुक्स रेफर किया होगा आपने, हो सकता है राजपूत, है ना, कुछ लोग बंसल भी यूज किए होंगे, या आप खुरमी भी ले सकते हैं, है ना, कोई भी बुक्स देख सकते हैं। अगर आपके पास इन तीनों में से कोई भी है तो खरीदने की जरूरत नहीं है, अगर कोई बुक्स नहीं है तो आप राजपूत ले सकते हो, ठीक है।
ये आपका इंट्रोडक्शन क्लास था। आगे हम लोग फर्स्ट क्लास में हम लोग यूनिट वन से चलेंगे। कुछ आपको इंट्रोडक्शन के रूप में आपको जो पहले आप SFT BMD थर्ड सेमेस्टर में पढ़े थे, कुछ बच्चों को समझ में नहीं आया था, रह गया था, उन लोगों के लिए हम SFT और BMD की प्रैक्टिस करवाएंगे। ठीक है, चलिए, ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।